100 दिन के तालीमी प्रोग्राम का सिलसिला शुरू है और 8वें हफ्ते में कहानी पढ़कर उसका इजहार और वो कहानी में के ताल्लुक से अपनी राय पेश करने है। MHB नंबर 2 की तालिबात जो है कहानी और अपना इजहार पेश कर रही है। मेरा नाम है अलीशा, लोमड़ी का तोहफा। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो गया था, उसके सारे दांत गिर गए थे। शेर का जब जन्मदिन आया तो सारे जानवर उसके लिए तोहफे लाए थे, लड्डू पेड़े और जलेबियाँ। लोमड़ी भी तोहफा लाई थी, उसमें नकली दांतों का एक सेट था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम रुमा है। मैं आज एक कहानी पढ़ने जा रही हूँ। कहानी का नाम है परेशान पहिया। एक कार था, वो एक पहिया कार से बहुत परेशान था। वो कभी धूप की तपती सड़क पर दौड़ता, तो कभी नोकीले पत्थर पर, तो कभी कीचड़ों से भरे रास्तों पर। उसे एक वो परेशान हो गया और सोचा कि अब मेरे को कुछ और तलाश किया जा सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहीन है और कहानी सुनाने जा रही हूँ चुन्नी और मुन्नी की। तो काजल और मधु के घर में दो छुपकलियाँ रहती थी। एक छुपकली सफ़ेद रंग की थी, दूसरी छुपकली काले रंग की थी। मधु और काजल को छुपकलियाँ अच्छी लगती थी, उन्होंने छुपकलियों का नाम भी रखा था सब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरोज है, मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ। धूप और छाँव। रहते थे एक गांव में मिलकर धूप और छाँव। बच्चे धूप पकड़ना चाहे, धूप किसी के हाथ ना आए। पीछे पीछे छाँव के भागे, छाँव रहती आगे आगे। छाँव धूप के खेल निरारे, खरगोश बिल्लू बनाए। एक दिन छाँव न थी आई और छाँव भी ना बन पाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरहाना, मैं जा रही हूँ मीठे मीठे गुलगुले पढ़ने। एक दिन जमाल की अम्मी आटा गूंद रही थी। जमाल पास ही बैठा हुआ था। पड़ोस का मदन अम्मी से एक सवाल पूछने आया। अम्मी मदन को सवाल समझाने लगी। जमाल आटा गूंदने लगा। जमाल के हाथों में आटा चिपक गया। उसने आटे में पानी मिलाया, आटा हो गया पतला। अब अम्मी देखी तो वो गुस्सा हुई। वो सोचने लगी कि इतने पतले आटे का क्या करे। अम्मी ने सौंफ और गुड़ मिला दिया आटे में। अम्मी